गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज बात करेंगे आप लोग से झारखंड पुलिस भर्ती के बारे में, जो आपको सब कुछ पता है। यहाँ पे कुछ ऐसे वाक्य हैं या शब्द हैं जो कोई अन्य यूट्यूबर के द्वारा नहीं बताया जा रहा है, जो आपसे हम साझा करेंगे। चलिए आपका समय लेते हैं ना, सीधा आते हैं बोर्ड पे। बात करें वही झारखंड क्रम पुलिस की, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग 2023 के अंतर्गत आपकी पुलिस की भर्ती हो रही है। अगर सीटों के बात करें हम लोग, आपकी सीटों की संख्या टोटल है 4919 और झारखंड के जो बच्चे हैं वो आवाज उठा रहे हैं। क्या आवाज उठा रहे हैं? इस सीट बढ़ाया जाए, और वहां का सरकार बहुत अच्छा है, झारखंड सरकार बहुत अच्छी है, उनकी बात सुनेगी और सीट बढ़ेगा, ये आप निश्चिंत रहिए। वहीं बात करें लास्ट डेट का, तो आपका 21 फरवरी तक है। आपका लास्ट डेट कब तक का है? 21 फरवरी तक का है। और 21 फरवरी यानी कि कल तक का मैं बता दूंगा टोटल कितने एप्लीकेशन डाले हैं। वहीं करेक्शन डेट का बात करते हैं, यानी कि आप अपने एप्लीकेशन डाल दिया है, लगता है आपको गलत है, तो 26 से लेकर 28 फरवरी तक आप उसको सुधार सकते हैं। रही आपका बात 16 नंबर पर जो लिखा गया है कि आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। पहले फिजिकल में क्या होगा, 10 किलोमीटर रन होगा बॉयज के लिए, जो 1 घंटे का यानी कि 60 मिनट समय दिया जाएगा। वही बताया फीमेल का कि 5 किलोमीटर होगा 30 मिनट समय दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, ये रनिंग शुरुआत करते समय जिन बच्चों के पैर में सीन पेन, मस्कुलर पेन, कोई भी पेन हो रहा, उसके लिए हम बता देंगे रनिंग शुरुआत कैसे करें, क्या खाए क्या नहीं खाए। जैसे ही वो आप डाइट पूरा करिए, आपका ये पेन जो है पैर का वो खत्म हो जाएगा। वही बात करते हैं आगे फिजिकल टेस्ट, यानी कि जब 10 किलोमीटर रनिंग करके आइएगा तो मेडिकल होगा, ऐसा लिखा गया है 16 नंबर पैराग्राफ में 16.1 में। अगर दोस्तों देखें, ठीक है, तो JSSC द्वारा पिछले एक्साइज कांस्टेबल का भी भर्ती निकाला गया, उसमें भी जाइएगा 16.1 के जो आपके सामने हम चढ़ा देंगे, उसमें है फिजिकल रिटेन फिर मेडिकल, सेम भर्ती दोनों JSSC ले रही है। लेकिन उसमें क्या है कि पहले फिजिकल होगा, फिर रिटेन टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा। यहां पे चल रहा है 2 नंबर में झारखंड SSC में मेडिकल, तो निश्चिंत रहे दोस्तों, रिटेन के बाद ही मेडिकल होता है। किसी भी फोर्स में जाइएगा भर्ती में तो रिटेन का, हाँ ये मेडिकल होगा, इसको बोलते हैं PST, क्या बोलते हैं PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या आएगा, जहां पे आपको लिखा गया है हाइट आपका 160 होना चाहिए और चेस्ट 81 होना चाहिए, और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग दिया है। ये PST में आता है, कुछ लोग इसको मेडिकल भी बोल देते हैं। हाँ, हो सकता है आपका नौकनी चेक हो जाए, धनुषा आकार का आपका जो पैर है वो चेक हो जाए, आंखों का भूल ही नहीं होगा, क्योंकि जब मेडिकल होता है तो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और बाल का हेयर सैंपल लिया जाता है नए पुलिस में। चलिए आगे बात करते हैं, आपका टोटल जो एप्लीकेशन है आपका कितना डाला गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट में बात करेंगे टोटल एप्लीकेशन। तो देखिए, जैसे मैंने पहला रजिस्ट्रेशन किया था वो 81000000, यही आपका सीरियल नंबर था। कल मैंने एक लड़के का रजिस्ट्रेशन किया, वो आपके सामने चढ़ा दूंगा, उसका 82000000 ये रजिस्ट्रेशन है, यानी कि वो एप्लीकेशन भरने के लिए। तो टोटल आपका कितना हो गया, 10 लाख, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन टोटल हो गया 10 लाख। जो अभी कर रहे हैं उनसे देख लीजिएगा, 82 चला गया है सीरियल नंबर, ये करोड़ में है, आगे वाला हटा दीजिए पीछे से, यानी कि टोटल आपका कल जो रजिस्ट्रेशन किया उसके अनुसार 13 लाख से ऊपर चला गया है रजिस्ट्रेशन, ये 13 लाख से ऊपर सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। वही आगे बात करते हैं आपका इंपॉर्टेंट नोटिस, जो आप एप्लीकेशन जो आया है उसका नोटिफिकेशन आया है, उसमें जाइएगा 17 नंबर पैराग्राफ के छठा उठाइएगा, उसमें साफ साफ लिखा है, वो आपके स्क्रीन पर चलेगा, पढ़ लीजिएगा। परीक्षा के दोनों पत्रों
में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर न्यूनतम अर्हता से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। साफ साफ है या स्क्रीन पर चल रहा है, मिला लीजिएगा। अब सबके लिए कितना चाहिए न्यूनतम, वहां पे लिखा गया है 16 में कि आपको 30% आना चाहिए जो पेपर वन है। तो आप पेपर टू में चले जाइएगा जहां पे आपका कॉपी जांच होगा। पेपर वन में फेल हुए हिंदी है या जो आपने जो भाषा सेलेक्ट किया है उसके नीचे नहीं जाइए। वही बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है मेगा सूची के लिए क्या है न्यूनतम जो आर्ता रखा गया है किसके लिए कितना, अनारक्षित कैटेगरी के लिए 40%, कितना दोनों पत्रों से मिलाकर 40% होना चाहिए, समझ गए। वही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं महिला के लिए कितना लाना चाहिए 32%। ये बस कोई यूट्यूब पर नहीं बता रहा है, छोटा छोटा जो टॉपिक है सब जानते। वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति वन कितना लाना है उनको 34%, तो मेगा सूची में आप जा सकते हैं। पिछड़ा वर्ग जो अनुसूचित टू आती है उनको कितना लाना है 36.5%। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर जो है पुरुष वर्ग के वो उनको चाहिए 40%। अगर इतना आप लाते हैं तो आप मेघा सूची में जा सकते हैं। कट ऑफ देख लीजिएगा और इसका 40% जनरल भाई जो है वो निकाल लेंगे। जी दोनों पेपर का 32% निकाल लीजिएगा, 34% निकाल लीजिएगा, 36.5% फिर आपने निकाल लीजिए। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना लाना है। तो जय हिंद। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और एक और वीडियो बता दो जिनके पैर में पेन है वो क्या खाएं कि उनका जल्दी से दर्द ठीक हो जाए। मात्र 15 दिन का है, 15 दिन चले एकदम 101% आपका ठीक होना ही होना है। तो जय हिंद।